हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि माहे रमज़ान कितना ही मुबारक महीना है, माशाल्लाह बरकतों वाला महीना है। रमज़ान चल रहा है तो हमारा प्रोग्राम बना के इस पार्क में आके थोड़ा सा विज़िट किया जाए इस पार्क का, और हो सकता है यहाँ पे इफ्तारी आज हम आपके लिए लाए हैं भी करने का एक प्रोग्राम है। आवाम तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं तो सन्नाटे पार्क के अंदर बिल्कुल भी। ये आपको दिखाते हैं पार्क, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है आवाम। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे हमारा सारा ग्रुप आया हुआ है, ब्रदर्स ग्रुप, जो कि हर संडे के संडे हम निकलते हैं। तो हमने रमज़ानों में भी यही प्रोग्राम बनाया कि रमज़ान में भी निकला जाए। वैसे आज पार्क में तो बिल्कुल सन्नाटा है, बागे में कासम पार्क, क्योंकि रमज़ान में आवाम निकलती कम है। तो हमारा ये प्रोग्राम बन रहा है कि यहाँ पे इफ्तारी करके निकलें। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है आगे की, कि इफ्तारी करते हैं या इफ्तारी से पहले निकल जाएं। अभी आपको दिखाते हैं, वो ब्रदर्स देखो बहुत आगे जा रहे हैं, ऊपर चढ़ गए हैं, वो देखो। पार्क में तो बिल्कुल सन्नाटा है। हमने जो है ना नमाज़ अदा कर ली असर की, तो नमाज़ हमने पढ़ ली है। अब उसके बाद आपको यहाँ का पार्क का और विज़िट कराएंगे। अभी हमारा प्रोग्राम बन रहा है इफ्तारी का, देखते हैं यहाँ पे करते हैं या रास्ते में करते हैं। टीम पूरी आई हुई है, ये ठीक है, नहीं बजा है। ये अशोक, लेकिन नामालूम अफराद है, और ये फरहान भाई है। ये जो हमारे व्लॉग में आती है पुरानी टीम, वही है। ये है फैजान, बोल नहीं सकता। अब तो ये चल रहे हैं आगे, चौराहे के ऊपर जाते हैं, क्या है यहाँ पे देखते हैं। ऊपर आ गए हैं, ये देखो, ये है जो मशहूर कलिस्तान का जो दिखाया जाता है। हवा तेज है, ये पूरा पार्क देखें आप, यहाँ समंदर भी दिख रहा है, पूरा पार्क का नज़ारा यहाँ से। ये फिजान भाई, ये रोज़ा भी रखा हुआ है और इन्हें डांस करने का भी वो आ रहा है, डांस करूंगा। आसिफ भाई हैं, तो गाइस जैसा कि पता आपको, ये देखो माशाल्लाह कितना प्यारा व्यूज़ आ रहा है पार्क का, बाग़े इब्ने कासिम पार्क कराची। अपनी बातों में यहाँ पे लगे हैं। चले गाइस, यहाँ से थोड़ा रवाना होते हैं, थोड़ी आगे की तरफ निकलते हैं। यहाँ आसिफ भाई कह रहे हैं आज रोज़ा रखा हुआ, मैंने मेरे से बोला नहीं जा रहा आज। तो सही बात है, रोज़े में हिम्मत नहीं होती इंसान की। माशाल्लाह हवा बहुत प्यारी आ रही है यहाँ पे। हाँ आसिफ भाई, ये हवा खाने ही तो यहाँ आते हैं, समंदर करीब है, बोलिए इसीलिए बनाया होगा। यहाँ ऐसा हिसाब है कि कुदरती हवा लगती है। अभी हम नीचे थे, हमें कुछ महसूस नहीं हुआ, जब ऊपर आए तो माशाल्लाह एक अजीब ही हवा हमें लगी है ठंडी, फिर हम थोड़ी देर यहाँ बैठ गए थे कि चलो मजीद और हवा खाए। ये भी जगह पे पप्पू बच्चे को बनाया नहीं अकेले में, अभी हमारा प्रोग्राम है कि जो रास्ते में तो बोल बाड़ करने का शायद आगे चलते फिर आपको बताते। आज हमें ये लगता है कि शायद हमारा रोज़ा भी जो है ना रास्ते में खुलेगा,
हो सकता है रास्ते में रोजा खुल जाए, पर टाइम बहुत कम है इंशाल्लाह। देखो जहाँ किस्मत हुई वहीं रोजा खोल लेंगे, प्लानिंग भी हमारी यही है। देखते हैं रास्ते में रोजा खुल जाए या घर की तरफ पहुंच जाते हैं, दोनों बातें हैं। गाइस जैसा कि आपको पता है अब मैंने इफ्तारी कर ली, रास्ते में इफ्तारी भी कर ली और अभी घर पहुंच चुके हैं, तो अभी तरावी का इत्माम करते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।